बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद अनस की तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को खुश आमदीद। अल्लाह ताला से ये दुआ है आप जहाँ कहीं मेरे हैं खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे शक्करपारे, जो बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। पंजाबी शक्करपारे हैं जी, तो शक्करपारे बड़ी मेहनत से बनते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं जो बहुत आसानी के साथ हम बनाएंगे। जिसके लिए मैंने ले लिया है, ये इसी कप के साथ मैंने लिया है, ये दो कप भर के मैंने मैदा लिया है। आधा कप मैंने ये देखें चौथाई कप यानी कि लिया घी का, और इतने मैंने लिया पानी। बस दो तीन चीज़ें इसमें जानी है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी, तो आप लोगों ने यह है कि वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। दो कप मैदा है, तो ये देखें 1/4 ये है टी स्पून के साथ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है ये मैं इसमें डाल दूँगी। और एक चुटकी जैसे नमक की है ये मैं इसमें डाल दूँगी। पहले इसकी डो हमने तैयार करनी है, अब मैं ये घी इसमें डाल देती हूँ। घी थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ लेना है, ये देखिए, और साथ ही हम इसमें ये पानी भी डाल देंगे। अब जितना हमने घी लिया उतना ही हमने पानी भी डाल देना है। इसको अच्छे से इसका हम डो बना लेंगे। ये वाले शक्करपारे जो है बहुत आसानी के साथ बनते हैं। बरसात का मौसम है तो ये है कि ऐसे झटपट से कुछ खाने को दिल करे ऐसा मीठी डिश, तो बंदा आसानी के साथ जो है जो बन जाते हैं। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए मैं इसकी डो तैयार कर लेती हूँ। माशाल्लाह से डो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें जितना घी था उतना ही बस पानी लगा, उससे ज़्यादा जो है हमने नहीं डालना। आटा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको 5 मिनट की रेस्ट दूँगी, तो यह कि फिर हमें बेलने में आसानी होगी। कवर कर देंगे ऊपर से। हमारे डो को पड़े 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने रेस्ट नहीं दिया इसको। ये देखिए अगर आप ड्रफ्ट बनाना चाहें तो ड्रफ्ट भी बन सकते हैं, थोड़ा हार्ड होता है, जिस वजह से मैंने इसको थोड़ी रेस्ट दी है। चलिए मैं इसको इससे निकाल लेती हूँ, काउंटर पर रखेंगे। एक दफ़ा कर लेते हैं ऐसे साफ, इसको इसका पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा बना हुई ऐसे रख के इसको हमने खुश्की खुश्का नहीं लगाना, ऑयल भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। ऑयल इसके अंदर काफ़ी है। मोटी सी हमने इसकी जो है रोटी बेलनी है, बहुत ज़्यादा थोड़ी इतनी मोटी रहने दी मैंने। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जैसी आप लोग पसंद है वैसी आप लोग कर सकते हैं। चलो अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। आप लोग चाहें तो तिरछा भी इसको काट सकते हैं, यानी कि ऐसे कटिंग कर दें, लेकिन मैं इसको सीधे काटूंगी। पहले दरमियान से काट देती हूँ। चलिए ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है। चलिए आप इसे उठाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी है हमारी हो गई है, जैसे बाइट की शक्ल में हमने काटी है। इसको छोटा बड़ा जो है वो आप लोग कर सकते हैं। मैं सारी उठा लूँगी, और जो साइडों पे जिसकी ज़रा शेप नहीं अच्छी उनको फिर से निकाल के ऐसे उनका फिर पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए जितनी भी साइडों पर फालतू हैं मैं ये उठा लूँगी, इनको दोबारा से बेल के फिर इनकी हम शेप दे लेंगे। बाकी जो ठीक सारी एक जैसी हैं वो मैं उठा लूँगी। ये देखिए शक्करपारे फ्राई करने के लिए मैंने घी डाल के रख दिया कढ़ाई में। खुली कढ़ाई मैंने ले ली कि एक ही दफ़ा मैं इसमें डाल दूँगी ये सारे। देखें
अब इसमें मैं एक डाल के चेक करती हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए नीचे जाके बैठ गया फ़ौरन, ऊपर नहीं आ रहा। घी जो है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अंदर तक ये फ्राई हो जाएंगे फिर। चलिए ऐसे मैं डाल दूँगी। अब ऐसे डाल देते हैं, सारे ही खुल जाएंगे कि न जा। ये देखिए ऐसे जब मैं चमचा घुमाऊंगी ना तो ये सारे खुल जाएंगे। ये देखिए इसके अंदर जो घी है ना, ये देखिए बिल्कुल अकेला अकेला हो गया ये सारा। चलो अब इसको हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना हम होने देंगे फ्राई। आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर उठेंगे तो फिर इनको दोबारा से हिलाएंगे। बस एक दफ़ा मैंने रहता रहता कर दिया तो अब नहीं छेड़ना इनको। ये देखिए ये सारे ऊपर उठ चुके हैं। मैंने पहले एक दफ़ा इनको हिला के रहता रहता बस कर दिया था, उसके बाद मैंने इनको छेड़ा नहीं, हाथ भी नहीं लगाया मैंने, हिलाया नहीं। ये देखें ये खुद ही सब ऊपर उठ जाएंगे, तो फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। वो देखते हैं पकड़ के थोड़ी साइड चेंज कर देंगे। इनको लो फ्लेम पे हम पकने देंगे, अंदर तक ये कुक हो जाएंगे। जब हमें इनको कलर देना होगा एंड पे जाकर, फिर थोड़ी सी हम जो है फ्लेम को वो हाई पे लेके जाएंगे। अभी लो फ्लेम पे पक रहे हैं ये। माशाल्लाह से ये देखिए इनका गोल्डन कलर हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने किया है, हल्का गोल्डन हुआ है। अभी मैं थोड़ी सी मैंने इसकी फ्लेम जो है वो ज़्यादा कर दी है। ये देखिए थोड़ा सा इसको और कलर देने के लिए थोड़ी आग को बढ़ा दिया है, तो अब थोड़ा कलर इसमें आ जाएगा। अंदर तक कुक हो चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा अब हमने कलर देना। माशाल्लाह से ये देखें जी कलर इनका हो चुका है अब गोल्डन सा ब्राउन, तो बहुत ज़्यादा अब हमने इनको डार्क नहीं करना। ये कुक हो चुके हैं बिल्कुल अंदर तक। ये देखिए माशाल्लाह से कलर इनका देखिए कितना अच्छा आ गया है। हमें इसको निकाल लेती हूँ, घी से निकाल लेंगे। ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको घी में जो है बनाया करें, उनका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। इसको निकालते हैं और इसके बाद इसका जो अगला काम है हम वो करेंगे। इसकी चाट तैयार करनी है हमने। माशाल्लाह से अच्छे से मैं घी इनका निचोड़ लेती हूँ। चलिए अब इनकी चाट तैयार करने के लिए मैंने ले ली, आधी मैंने चीनी ली है और आधी मैंने गुड़ लिया। अगर आप लोग चाहें तो चीनी के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें डालूंगी इसमें। ये तकरीबन 1.5 कप बनता है, 2 कप हमारे थे मैदे के। तो ये इसके अब कोटिंग करनी है हमने ऊपर, ये इसमें डाल देते हैं। तो ये भी साथ डाल देते हैं। मैं ज़रा गुड़ वाली चाय पीनी थी, इस करके मैं थोड़ा गुड़ भी इस्तेमाल कर लेनी है। तो चलो एक प्याली पानी दी पा दें, तो 2 सीगियां चीनी तो गुड़ दी। जितना चीनी और गुड़ या चीनी ले रहे हैं दोनों प्याली, तो एक बस पानी की डालनी, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं जाना। तो चलिए इसे पकाने के लिए रखते हैं। चलिए चूल्हे पे मैंने रख दिया इसको, तो थोड़ा मेल्ट हो जाता है। तो इसकी एक तार की हमने चाट तैयार करनी है। थोड़ी चाट जब तैयार होने वाली होगी तो फिर मैं आप लोगों को इसका दिखाती हूँ रिजल्ट। फिर इसको हला हला के ऐसे छोड़ना नहीं है, ऐसे हला हला के इसको मेल्ट कर लेना है हमने अच्छे से। माशाल्लाह ये देखें जी चाट हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है काफ़ी, और ये देखिए तार बन रही है। मैं आप लोगों को ऐसे भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एक तार की चाट हमें चाहिए, गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम लो कर देते हैं और इनको ऐसे ही इसमें डाल देते हैं। ये तो ऐसे भी खाने में बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखिए कितने मोटा साइज इनका हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया जितनी तय हमने रखी थी बेकिंग पाउडर की वजह से। चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई छोटी कढ़ाई वगैरह तो वो लेने ज़्यादा अच्छी रहेगी। इनको डालना है गरम में, ठंडा करके नहीं डालना है इसको, गरम में डालेंगे। बहुत ज़्यादा हलाने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ी जो है मीठा अपने अंदर जज़्ब कर लें। तो चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए आप इसको इधर पड़े रहने देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हलाएँगे। जब ये ठंडा होने पर आ जाएगा तो फिर हमने इसको लगातार हलाना है।
इसकी कोटिंग इनके ऊपर हो जाए और चीनी जब तक जमेगी फिर इसकी कोटिंग भी साथ साथ हो जाएगी। चलिए एक चीज़ मैं इसमें ये डालना भूल गई थी चाशनी में, ये है केवड़ा एसेंस, इसकी खुशबू जो है वो अच्छी आएगी। ये हाफ टी स्पून मैं ले रही हूँ, अभी भी ये है चाशनी जमा नहीं है बिल्कुल, इस वजह से मैंने ऊपर डाल दिया क्योंकि हमने अभी हलाना है इसको। ये देखिए अभी हम हलाएंगे इनको, ये है कि मिक्स हो जाएगा और खुशबू इससे जो है वो बहुत अच्छी आती है। अब ये देखें ये अभी गाढ़ी बहुत ज़्यादा चाशनी की हो गई है, अब इसे जमना शुरू हो जाना है, फिर हमने इसको जो है ऐसे हलाना है, इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग जो है वो इसकी हो जाए। ये देखिए बड़े आराम से इसको प्यार प्यार से हलाएंगे, तो ये तोड़ने भी नहीं है और इनको हमने अच्छे से जो है मिक्स भी करते जाना है। अब बहुत जल्दी इसने ठंडी हो गई है तो इसने जमना शुरू हो जाना है। माशाल्लाह से ये देखें जी ठंडे हो गए हैं, थोड़ा सा भी ठंडे हुए हैं, ज़्यादा ठंडे भी हुए हैं और ये जम गई है चाश हमारी। मैं इसको लगातार हलाती रही हूँ, जब ये ठंडी होने लगे जमने लगे तो फिर इसको नहीं छोड़ना, जब गरम गरम पक रही थी तब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था इसमें ताकि अपने अंदर थोड़ी सी उठा लें। ये देखिए अब इनके ऊपर सब के ऊपर जो कोटिंग हो गई है इसकी अच्छे से, ये बस सब हो गई कोटिंग और वो ये देखिए अब जम चुका है। ज़्यादा हलाएंगे तो ये हम इनका जो ऊपर लगा है अब वही उतरेगा। ये देखिए इसको अब छोड़ देंगे ऐसे ही, थोड़ा सा ठंडा करते हैं फिर इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह जी ये देखें थोड़े से अब ठंडे हो गए हैं, हो गई पतीली भी ठंडी, चले हैं अब उसको ये देखें कितने खस्ता हुए हैं, इसको मैं इधर निकालती हूँ प्लेट में। माशाल्लाह से ये देखें जी डिश आउट मैंने कर दी हैं, बहुत अच्छे हमारे जो हैं वो तैयार हुए हैं शक्करपारे, बहुत टेस्टी, बिल्कुल आसानी के साथ आसान रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है। चलिए इसको तोड़ के भी देखते हैं आप, ये देखें माशाल्लाह से कितने खस्ता है, ये देखें कितने खस्ता है, कितनी आसानी से आज मैंने आप लोगों को जो है वो ये शक्करपारे तैयार करना बताया। अंदर से देखें माशाल्लाह से कितने ही खस्ता है, मीठे के बगैर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मीठे के साथ चेक करते हैं कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह से गुड़ के साथ इनका टेस्ट जो है ना वो डबल हो गया। अकेली चीनी वाले भी मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी और माशाल्लाह से गुड़ और चीनी के साथ तो बहुत मजे के ये बनी। तो चलिए आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, इसी से हमारी सपोर्ट मिलती है हमें। तो आप कमेंट्स के जरिए अपनी राय का भी इजहार जो है वो ज़रूर दिया करें, तो आप लोगों को हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है। अब इसी दुआ के साथ मैं ज़्यादा चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमारी दुनिया और आखिरत की मंजिलों को मुश्किलों को आसान करें। आमीन।